गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, सभी को नमस्कार। टीम सिमडेगा समाचार की ओर से सभी लोगों को क्रिसमस और तुलसी पूजन और साथ साथ सुशासन दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर बहुत ही शुभ दिन और पवित्र दिन माना गया है। हर तरह से देखा जाए तो आज का दिन ही ऐतिहासिक रहा है। आज परमपिता परमेश्वर रूपी ईसा मसीह का जन्मदिन और तुलसी पूजन, हिंदू संस्कार के अंतर्गत आज तुलसी पूजन करने की पद्धति है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो आज भारत रत्न दिवंगत आत्मा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 94वीं जन्म दिवस, जिसको पूरे देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। और बहुत गर्व की बात है कि सिमडेगा जिला भारतीय जनता पार्टी की टीम भी सुशासन दिवस के रूप में इसको हर एक बूथ स्तर तक मना रही है। तो एक साथ आज जिले में 3-4 त्योहारों का उत्सव मनाया जा रहा है, क्रिसमस, तुलसी पूजन और सुशासन दिवस। तो जहां तक बात करेंगे आज की, तो समस्त मेरे जो वीडियो देखने वाले हैं उनसे बातचीत आगे करने से पहले एक निवेदन करूंगा कि सबसे पहले नीचे का जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप दबा दें और बगल में बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट सभी प्रकार की वीडियो आप लोगों के बीच में उपलब्ध हो सके। तो हम बात कर रहे थे आज के मुख्य टॉपिक जी, लगातार आने वाले कुछ दिनों से ठंड की वजह और मौसम की मार से लोगों की जनजीवन थोड़ी अस्त व्यस्त हुई है, परंतु हल्के हल्के दिन की ताजी खिली धूप से लोगों का जनजीवन में सुधार आता है। अब बात करते हैं हम जो विशेष मुद्दा, सड़क दुर्घटना। जी, हम बात कर रहे हैं सिमडेगा में आए दिन हो रहे हैं सड़क दुर्घटना, बड़े बड़े रोड एक्सीडेंट, ट्रकों का और हर प्रकार की बड़ी दुर्घटना से, जिससे कि आत्मा तक दुख पहुंचाने वाली बात हो जाती है। जी हाँ, स्थिति ये हो जाती है कि सड़क हादसे से किसी परिवार के सदस्यों की जान जाती है और जिसे पूरा जिला दुख में डूब जाता है। हाल ही में आप लोगों ने देखा, कोलेबीरा घाटी पर 5 गाड़ी आपस में टकराए और चौथे नंबर का जो ओमिनी गाड़ी थी वो दोनों तरफ से दब गई और जिसमें सवार 2 लोग, एक सलडेगा का और एक ईदगा मोहल्ला का, इस दुनिया से चले गए। परिणाम क्या हुआ उसके परिजनों की हालत आज जाके देखिए। और रही बात वहां पर सिचुएशन क्या था उसका पता नहीं, किस कंडीशन में यह दुर्घटना हुआ पता नहीं, लेकिन अधिकांश दुर्घटना का मुख्य कारण होता है तीव्र गति, मन को एकाग्र और संचित कर गाड़ी नहीं चलाना, जिसका नतीजा होता है हम अपने भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और उसका नतीजा वही होता है कि कर्ता कोई और है और भरता कोई और है, जाने वाला चला गया और उसका पूरा जीवन भर के लिए उसके परिजनों को दुख का पहाड़ टूट गया। बहुत दुख लगता है। हाल ही में लगातार मोटरसाइकिल दुर्घटनाएं हो रही है, जहां देखो लड़के गिर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और जिसका बाद में मूल सारांश निकलता है या तो तीव्र गति, हेलमेट नहीं पहना है या जम के शराब पिया हुआ है। क्या हमारे लिए ये सुटेबल है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन ना करते हुए हम शराब और तीव्र गति और जरूरी कागजात और विशेष प्रकार की जो भी सड़क सुरक्षा संबंधित चीजें हैं उसको प्रयोग ना करें? क्या जिला प्रशासन इसलिए परेशान है कि उनको फायदा होगा? जिला प्रशासन हमारे लिए फायदेमंद है और हमारे लिए कर रहा है। आज रोड पर चेकिंग होती है, जुर्माना लगाया जाता है, तो हमारे लिए किया जाता है ना कि उनके लिए। मानता हूं सरकार की राजस्व बढ़ती है, लेकिन आप गलती नहीं करोगे तो सरकार की राजस्व कहां से बढ़ेगी? आप लोग चांस देते हो जिसके कारण होता है और जिसका नतीजा होता है कि बड़े दुर्घटनाओं को जन्म दे देते हैं, बड़े रोड एक्सीडेंट,
सड़क पर रोड राइडर बन के हम चलते हैं या फिर हेलमेट को जरूरी नहीं समझते हैं। तो आए दिन सड़क दुर्घटना और ऐसी ऐसी घटनाओं को हम अगर नजरअंदाज करते रहेंगे तो कब तक चलेगा? आज अगर हम सड़क सुरक्षा नियम को पालन करेंगे, नियम से हेलमेट पहनेंगे, गाड़ी की स्पीड हम नहीं रखेंगे और संतुलित तरीके से हम चलाएंगे तो कभी नहीं होगा दुर्घटना। मैं यहाँ अहमदाबाद में हेरिटेज सिटी पर इतनी गाड़ियों के बीच में चलता हूँ लेकिन कभी भी सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जरूर करता हूँ, क्योंकि दुर्घटना से देर भली, हमें कहीं अगर जाना है, अगर हमें 5 मिनट के जगह 10 मिनट लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने वाले को बोल देंगे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए हमने चला है, ये नहीं कि जल्दबाजी के चक्कर में हम जाके रोड एक्सीडेंट करवा दें। तो मेरे भाइयों और समस्त जिला वासियों से एक ही निवेदन करूंगा कि प्लीज सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और जल्दी से जल्दी अपने संबंधित कागजात तैयार रखें, लाइसेंस बनवा लें, रोड राइडिंग ना करें, तीव्र गति में ना चलें, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं और यहां तक कि गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जिला प्रशासन आपके लिए सदैव तैयार है किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए, लेकिन आप सही तरीके से काम करें, सही तरीके से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें तो आने वाला दिन वो नहीं जो सिमडेगा जिला में एक भी सड़क दुर्घटना नहीं होगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि सिमडेगा हो, गुमला हो, खुट्टी हो, लोहरदगा हो, जितने भी लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले हर प्रकार की हम जागरूकता संबंधित वीडियो आप लोगों के बीच में हम लाकर प्रस्तुत कर सके। हमारे आने वाला वीडियो आपको बता दे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर है, जिसका जल्दी हम कर रहे हैं उस विषय पर विश्लेषण और आप लोगों के बीच में लाएंगे। तो अंत में फिर से बोल रहा हूं कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी का दिन शुभ हो, त्योहार मनाएं, एंजॉय के साथ पिए खाएं, अच्छी बात है, लेकिन पीकर गाड़ी ना चलाएं, शांतिपूर्ण गाड़ी चलाएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। क्योंकि और दूसरी बात, पैदल चलने वालों के लिए विशेष अपील, आप लोग देख कर चले क्योंकि आप लोग तो सही सलामत है लेकिन सामने वाला पी के आ गया तो आप लोगों को बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, इसलिए दाएं बाएं आगे पीछे पूरी तरह से देख कर चलें और सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन का सहयोग करें। अंत में सभी लोगों को नमस्ते, हाथ जोड़कर विनती है, सभी लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। जय हिंद, वंदे मातरम।